हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वन ओ वन पे मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आई होप आप सभी बढ़िया होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर बिल्कुल रज के बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सेशन क्या रहता है करंट अफेयर्स को एम के फॉर्मेट में हम रिवाइज़ करते हैं दोस्तों क्या करते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम रिवाइज करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ललिता शबा तृप्ति शशिकांत मेघना गायत्री सईद विनीता किड फ्रॉम द माउंटेन विशु नमस्ते नमस्ते क्या हाल है इंदु सुषमा जर्नेल क्या हाल है कैसे हैं आप सभी घर में सब ठीक है कोई बात नहीं शादी में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं चलता है समीरा सभी के सभी बढ़िया है फिट है काफी दिनों के बाद भैरवी गायत्री गुड मॉर्निंग विशु गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्यारे 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 दोस्तों बहुत ही प्यारे अब राज दुलारे नहीं बोलूंगा ठीक है मैं एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया कोई बात नहीं जनरल सब बढ़िया आप ठीक हैं, आप सभी के सभी कोई बात नहीं समझ सकता हूं मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है कैसे हैं चलो दुलारे भी बोल दिया नाराज ना हो कई सारे लोग नाराज हो गए चलो भाई प्यारे एंड दुलारे सभी के सभी राज दुलारे राज दुलारी सभी के सभी दोस्तों ठीक है तो आप सभी को पता है इसकी रिविजन कर रहे हैं भाई और अपना हिसाब किताब कार्यक्रम चलता रहता है श्री रूपम रेड्डी नमस्ते गुड इवनिंग गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते दोस्तों आप सभी को अब तो परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है नाम तो बिल्कुल रट चुका होगा और ये चारों के चारों चैनल अपने हैं ज्योग्राफी वन यूपीएससी वन करंट अफेयर्स वन ये चारों चैनल अपने इनको सब्सक्राइब कर लीजिए गुड मॉर्निंग प्रिया गुड मॉर्निंग और ये बुक्स अब आपको मिल रही है भैया किताबों का भी हिसाब किताब अब सारा सब कुछ यहाँ पर रहेगा आपके लिए अन अकेडमी लेकर आ चुका है और यूपीएससी पी सी एस सी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र भी चल रहा है दोस्तों यूपीएससी मेगा सी एस सी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र क्या चल रहा है अगर आप वन ईयर का प्लान लेते हो तो आपको दो हज़ार बाईस तक के प्रलिम्स का एक्सेस मिल जाता है टू ईयर का अगर प्लान ले लोगे भैया तो, तो क्या हो जाएगा दो हज़ार तेईस तक के प्रलिम्स का एक्सेस मिल जाएगा एक्सेस ही एक्सेस हो जाएगा हाँ रोशन मैंने वो ना पिछले उस पर देखा मैं वही भेज सोच मैंने वो प्लान यही किया रोशन कि क्या है जो हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ तो आपको भेज देता हूं जो जो मेरे को लगेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैं क्या करूंगा उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने वहां पर ग्रुप पे मैं शेयर कर दिया करूंगा जिससे आप भी थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं क्योंकि क्या है कई सारे लोग दोस्त आप सब देखिए मैं हर किसी को तो नहीं कह रहा कई सारे लोग क्या करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर उठाते हैं और सीधा कहां पहुंच जाते हैं एडिटोरियल वाले पेज पर पहुंच जाते हैं

कि ये इंपॉर्टेंट है भाई इसको भी देख लेना ये वाला हिस्सा पढ़ लेना उसके वो वो कट, कट निकाल, निकाल लिए सच है तो रोशन में ये करूंगा आपके सभी के लिए कर रहा हूँ बस कोड याद रखना दोस्तों पी आर एस एच ये कोड है ठीक है जो मुझे लगता है कि आप सभी के सभी मिस कर सकते हैं वो वाली न्यूज को मैं क्या करूँगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दिया करूंगा यहाँ पर लोन की भी सुविधा है आप सभी लोन भी ले सकते हैं जीरो प्रोसेसिंग फीस आप सभी कहते होंगे भैया कार के लिए लोन लेते थे गाड़ी के लिए लोन लेते थे घर के लिए लोन लेते थे। अब क्या है? इसके लिए भी होने वाला योगी उनकी भाषा मतलब वो आपस में भी आपस में बात करते होंगे ना तो किसी ने पूछ लिया भाई कैसा है उनकी बातें ऐसी होती हैं ठीक है तो उनका तो ऐसा लगता है जैसे वो बैठे हैं एक बगल में डिक्शनरी रख के बैठे होते हैं और उनको अपनी लैंग्वेज मतलब सेंस नॉलेज ये नहीं दिखानी है लैंग्वेज दिखानी है ठीक है तो ये भी चल रहा होता है ए, और उसी को अगर हमारे जैसे लिखेंगे तो अब अप्रतिम अनु अद्भुत ऐसे ऐसे करके लिख देंगे ठीक है तो समझिए थोड़ा सा भाषाओं का खेल है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो चीजें आपको इजी भाषा में समझाई जा सके वो चीज़ करें ठीक है ओके okay, पूर्णिमा सॉरी 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 टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों आप इनको ज्वाइन कर लेना ऐसे फटकार मिलती है तो बिल्कुल तुरंत फटाफट आगे बढ़ना पड़ता है क्या करें हाँ हम हम इंडियन हैं फटकार के हैं वो हैं स्कॉलरशिप टेस्ट है और देखिए नहीं सही बात है डाटा तो ख़त्म हो जाता है ये तो बात है और स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है हर संडे को सुबह ग्यारह बजे शुरू होता है और आप सभी के सभी अकेडमी कॉम्बैट है ठीक है चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी के सभी आप सभी के सभी ऐप पर भी कर सकते हैं भाई पूर्णिमा ने फटकार लगा दी है डायरेक्ट भाई डाटा खत्म हो रहा है लेकिन भाई पूर्णिमा एक बात बताओ अभी सुबह सात बजे है सुबह के रात में बारह बजे क्या में नया पैक मिला होगा कहाँ गया डाटा जनता जवाब चाहती है कालिनी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा विद रेफरेंस टू एम के फोर फोर एट टू अब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा विद रेफरेंस टू एम के फोर फोर एट टू ये क्या है पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या ये किसमें यूज होता है चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए गुड मॉर्निंग रुद्रांशु फटाफट हाँ देखिए मैं समझ रहा हूं सारी अब आपकी भावनाओं को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा मैं आपकी को समझता हूं, को नहीं समझता। इसका करेक्ट आंसर बताइए पहले तो ये क्या है एम के फोर फोर एट टू ये क्या है दोस्तों अभी आपको पता है कोविड के बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है बहुत ज्यादा बार बार ही हो रहा है तो वहां पर साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक ड्रग है ये एक ड्रग है ड्रग वो वाला ड्रग मत समझना ड्रग मतलब दवाई मेडिसिन ठीक है ये ड्रग है ये एक ड्रग जिसको अगर ओरली दिया जाए मतलब मुंह में आपके डाल दिया जाए जाएली दिया जाए पिला दिया जाए तो क्या होता है कोविड के जो सिचुएशन खराब होने वाली है उससे आपको बचाया जा सकता है उससे आपको बचाया जा सकता है तो एम के फोर फोर एट टू क्या है एक ये ड्रग है जिसको ओरली दिया जाता है जैसे अभी आपको वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती है टैबलेट आप खाते हैं इसको क्या ओरली दिया जाएगा आपको इंजेक्शन के थ्रू नहीं ओरली आपको दिया जाएगा सी सभी के सभी आंसर इसका सी लगा रहे हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे दोस्तों ठीक है जैसे आपको पोलियो ड्रॉप होती है ना मुंह में ऐसे दबा के वो दो दी जाती है वैसे ही और ये क्या है बारह घंटे पहले जब इन्फेक्शन होने वाला हो उसके बाद में अगर दे दी जाए तो क्या होता है जो आपके जो कोविड से डेथ रेट है जो डेथ रेट है उसको बचाया जा सकता है तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी ऑलमोस्ट सभी ने अभी पहला क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी ने इसका फर्स्ट सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया सी इसका करेक्ट आंसर दे दिया ठीक है दो बूंद जिंदगी की तो याद रखिएगा ये एंटीवायरल ड्रग है एम के फोर फोर एट टू दरअसल लोग कंफ्यूज हो सकते हैं एम के फोर फोर एट टू दो स्टेटमेंट भी नहीं बनाए ऐसे करें रिसेंटली सीन इन न्यूज ऐसे कर दें और नीचे पता है क्या दे दें एक दे दें ड्रग दे 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 दे, एक दे दें क्या नाम है मिसाइल सिस्टम तो कई सारे लोग क्या करेंगे मिसाइल सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो याद रखिएगा ये क्या है ड्रग है एम के फोर फोर एट टू क्लियर है क्योंकि अभी तो आपको ऐसा बना के दे दिया तब आप समझ भी गए अगर वो सिर्फ आपको चार ही स्टेटमेंट दे देते ए बी सी करके तो आप सारे के सारे क्या हो जाता गड़बड़ हो जाता ठीक है याद रखिए इस चीज को अगला क्वेश्चन आपके लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न कैरेबियन द केबियन सी गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन मीट हाँ देखा मोनिका अब लोग मतलब सुबह सुबह क्या मजा आता है डिसलाइक करके क्या मजा आया भाई चलो कर दिया डिसलाइक क्या हो गया क्या जीत गए कुछ जीत गए सुबह सुबह बताओ हम हाँ आखा सुबह सुबह क्यूबा 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 कर रहे हो सबके सब यूपीसी क्लासरूम डी कह रहे हैं डी कह रहे हैं ए कह रहे हैं सभी के सभी इसका आंसर क्या होगा ए बोल रहे हैं सभी के सभी ठीक है किट फ्रॉम द माउंटेन भी कह रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्यूबा ये न्यूज में क्यों है दोस्तों क्यूबा के बारे में एक चीज ध्यान रखिए अमेरिका क्या है दोस्तों अमेरिका क्या है? अमेरिका, क्या है? अमेरिका, क्या है? अमेरिका क्या है अमेरिका कौन सी कंट्री है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलती है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलती है और रशिया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एक साथ सारे के सारे ठीक है आपको जान के हैरानी होगी कि क्यूबा अमेरिका के इतना पास है उसके बाद भी, भी वो रशिया वाली आइडियोलॉजी को मानता है और उस समय से बहुत ज्यादा चल रहा था जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था उस समय उसने रशिया का साथ देने की बात करी थी और उस समय बहुत ज़्यादा हंगामा कटा था कि क्या नाम है बताओ बताओ जो अमेरिका के पास में है वो उसका साथ देता और अभी क्यूबा वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने क्या किया था इटली और हर जगह पे अपने जो है डॉक्टर्स को भेजा था कोविड के समय पे ठीक है डॉक्टर्स को भेजा था कुछ क्या नाम है कोविड के समय पे हेल्प करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज़ में क्यों है क्योंकि देखिए पहले क्यूबा को देख लीजिए ये रहा अटलांटिक ओशन ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको अब आप सोचो मेरे को मतलब गांव में छोरा गगल में छोरा गांव गांव में ढिंडोरा वाला मतलब बिल्कुल भाई के बिल्कुल बगल में है यूएसए पूरे वर्ल्ड में दादागिरी करता है यूएसए पूरे वर्ल्ड में दादागिरी करता है लेकिन यहीं पर ही उसके बगल में क्यूबा है जो उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता और इसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है दोस्तों तो उसके ऊपर में उसने क्या कर रखा बहुत सारे सेंक्शंस लगा रखे हैं क्या कर रखे हैं सेंक्शन लगा रखे हैं याद रखिएगा दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ तो ये देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ पर है ये रहा आपका ये देखिए कैरेबियन सी ये रहा अगर आपने सुना होगा ना वेस्ट इंडीज के जो लोग बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी करते हैं पार्टी बॉय होते हैं तो ये रहा कैरेबियन सी और ये देखिए मेक्सिको ये रहा मेक्सिको ये याद रखिए इसकी कैपिटल क्या है क्यूबा की हवाना है ठीक है हवाना इसकी कैपिटल द बहमाज ये रहे डोमिनिकन रिपब्लिक ये हैती सारी की सारी चीजें यहाँ पर है ठीक है तो उस समय पर इतना पास होके भी इन्होंने क्या किया था यूएसए का विरोध किया था यूएसए का विरोध किया था यूएसए की आइडियोलॉजी को मानने से मना कर दिया था और इनके ऊपर में बहुत सारे थे। तो अभी जो, वहां के जो रूलर थे वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी है वहां से क्या कर दिया इस्तीफा देने का उन्होंने ऐलान कर दिया दोस्तों तो क्यूबा एक और चीज समझिए इस चीज को अभी रशिया और यूएसए के बीच में दोबारा से फ्रिक्शन होना शुरू हो गया है और आपको जान के हैरानी होगी सिर्फ के बेसिस पे दोस्तों आप जो पढ़ रहे हो आप जो कर रहे हो ना ये कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया पता किस के बेसिस पे चल है किसके है। है? और दूसरी कौन सी है आपकी जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है और इनके बीच में चल रहा है बायपोलर वर्ल्ड इसीलिए तो हो गया था क्या वर्ड यूज करते हैं बायपोलर वर्ल्ड कुछ यूएसए के साथ जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ कुछ रशिया के साथ जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ इसीलिए दोस्तों ठीक है दोस्तों ठीक है और मतलब कॉन्फिडेंस तो बहुत ही है आ, वेस्ट इंडीज इधर ही है ये रहा ना ये कैरेबियन ठीक है ये सारा का सारा वेस्टइंडीज इधर ठीक है वेस्ट इंडीज, इंडीज यहीं पर ही है वो अलग अलग आइलैंड्स को मिलाकर बना हुआ है अलग अलग आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है ठीक है तो ये याद रखिएगा अभी उसने रिजाइन किया है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये क्यूबा तो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आइलैंड भी कई सारे के सारे हैं जैसे इसला दे लाल आइलैंड यहाँ पर है आइलैंड के नाम याद रखना कई सारे आइलैंड के नाम याद रखना ठीक है और तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये एरिया काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से एक तो रशिया यूएसए के उसके कारण में क्यूबा ने क्या किया था कोविड के समय पे बहुत जगह पर क्या किया था अपने डॉक्टर्स को भेजा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स को भेजा था हेल्प करने के लिए वहां पर ठीक है क्लियर है Clear है ये वाला क्लियर है ये वाला पॉइंट जो क्यूबा से रिलेटेड हम बात कर रहे थे चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए अगला प्रश्न भी आपसे मैप से रिलेटेड है ब्लैक सी दोस्तों काला सागर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी के प्रम्स में अब दरअसल रशिया अब क्या है चाइना यूएसए को काउंटर करना चाहता है यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में पूरे उसके अंदर में वर्ल्ड में रिप्लेस करना चाहता है और अगर चाइना ने और देखिए चाइना प्लस रशिया दोनों के दोनों साथ हैं तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी यूएसए अगर हट जाएगा तो इसलिए अभी यूएसए और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए नहीं आंसर भी बताना है इसका आंसर बताइए कि ब्लैक सी किस किसके तो बुल्गारिया जॉर्जिया और यूक्रेन इटली इसका आंसर क्या हो जाएगा जॉर्जिया बुल्गारिया यूक्रेन ए आंसर दे रहे हैं सभी के सभी ए आंसर दे रहे हैं ठीक है तो ए इसका करेक्ट आंसर है इटली की यहां पे नहीं लगता तो वन टू एंड थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएससी में दोस्तों लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है तो इसीलिए मैं कहूँगा ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ये देखिए आपके लिए यहां पर ये देखिए ये रहा ब्लैक सी रशिया यूक्रेन ये रहा आपका ये रहा और उसके बाद रोमानिया बुल्गारिया फिर ये देखिए टर्की इटली यहां पर कहीं पर भी नहीं एक चीज आपसे और दोस्तों यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा ये वाला एरिया याद रखना दोस्तों प्लीज पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे ये वाला एरिया याद रखना क्योंकि अभी यूक्रेन यूक्रेन एंड रशिया के बीच में ऑलमोस्ट वॉर की सिचुएशन होने वाली है अब जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है तो वहां पर आपके यूएसए साहब आप कैसे पीछे रहेंगे वो कह रहे हैं भैया हम भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये वॉर हो क्यों रही है दरअसल ये जो एरिया है ना ये क्रीमिया नाम की जो जगह है ये यूक्रेन की हुआ करती थी किसकी यूक्रेन की हुआ करती थी दो में रशिया ने इसके ऊपर अटैक करके इसको किसको अपना बना लिया अपना बना लिया तो ब्लैक सी में उनका क्या हो गया डायरेक्ट एक्सेस मिल गया डायरेक्ट एक्सेस मिल गया इसलिए ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं प्लीज आपसे डबल स्टार मार्क करके कहूंगा इस वाले रीजन को प्लीज पढ़ लेना और अभी क्या है यहां पर दोबारा से अटैक करने की बात चल रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और ये ब्लैक सी से उस साल पता है क्वेश्चन क्यों पूछा था क्योंकि यहां पर ब्लैक सी में एक समिट हुई थी जिसपे यू यू यु करके हाथ हिला रहे थे आपको ध्यान होगा मोदी जी पीएम मोदी जी गए हुए थे ठीक है पीएम मोदी जी गए हुए थे ठीक है दोस्तों क्लियर है तो इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रीमिया को रशिया ने अपने अंडर में कर लिया है और दरअसल यहां पर क्या है ये वाला जो हिस्सा है ना ये वाला हिस्सा ये एक ऐसा पोर्ट है जो ऑल वेदर यानी कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो वहां पर यह ओपन रहता है इसलिए मेन रीजन ये होता है बाकी रीजन तो फालतू की बकवास करने के लिए कुछ भी दे दिया जाता है ठीक है कि लेकिन मेन रीजन ये था और दूसरा यहाँ पर दोस्तों क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है इसलिए इस पूरे एरिया को क्या किया गया एनेक्स करके रशिया ने अपने पास लिया अब ये देखो ना रशिया ये टर्की के पास वरना रशिया के पास में देखिए एक्सेस कहां तक मिल गया उसके पास में ब्लैक सी का ये देखिए क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो है रश जो ब्लैक सी है ब्लैक सी अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दरअसल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी यहाँ पर रिवर कौन कौन सी आके आती हैं ब्लैक सी में रिवर कौन कौन सी आती हैं तो दनुबे नैपर और डॉन ये रिवर कहाँ से यहाँ से आती है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एगे सी भी है यहाँ पर क्या नाम है टर्किस स्ट्रेट भी है ये सारी चीज़ें प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीज़ें याद रखिएगा सी ऑफ अजोव भी हो गया सी ऑफ अजोव है यहाँ पर कर्च स्ट्रेट है ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया है ना इतने पूरे एरिया को आज आपका होमवर्क है आपने क्या करना है इसको तीन से चार बार पूरा का पूरा विजिट करना है तीन से चार बार इसको जूम कर करके पूरा पढ़ना है और फिर इसके बाद में क्या करना है इसको नोट डाउन कर लेना है एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यहां से ठीक है दोस्तों क्लियर है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा द रिसर्चर समझ आ गया ना मतलब कि ये रीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ठीक है क्लियर है अब देखो ना जैसे ये है ये हो गया सी ऑफ अजोव है ये यहाँ पर सी ऑफ अजोव है कर्थ स्ट्रेट है यहाँ पर तो ब्लैक सी और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये आपका होमवर्क है याद रखिएगा इन चीजों को ठीक है तो आप देखिए द रिसर्चर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर आई आई टी खड़गपुर के न्यू स्पीशीज को फाइंड किया है रेवा कॉनोडोन नाम का एक इंडिकस नाम का एक स्पीशीज है ये कहाँ से फाउंड किया है शशिकांत पंडित कह रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश में फाउंड किया है मध्य प्रदेश में फाउंड किया है

डी इसका आंसर दिया है तो मध्य प्रदेश में नए फॉसिल मिले जहां पर नई स्पीशीज मिली है दो नई स्पीशीज मिली है स्मॉल रैट लाइक चूहे की तरह का एक एनिमल है ठीक है जो क्या है 220 साल पुराने पहले रहते थे यहाँ पर उनके क्या है मिले फॉसिल मिले क्या मिले दोस्तों फॉसिल मिले याद रखिएगा ठीक है क्लियर है कहाँ पर एमपी में एमपी में और उनका नाम आपको बता दिया रेवा कॉन्डोट इंडिकस इसका मतलब क्या है इंडिकस का मतलब क्या है इंडिकेटिंग इंडिया वहां पर डिस्कवर किया गया क्लियर है क्लियर है रैट लाइक स्पीशीज अभी तो हमें पता भी नहीं है दोस्तों कि कितने कितने ज्यादा अभी तो हमें पता भी नहीं है कि कौन कौन से स्पीशीज यहां से जा चुकी हैं खत्म हो चुकी हैं हमें तो नाम भी नहीं पता उनके अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हाँ देखा और हिंदू में था और सही सही निपटा दिया है ना क्या बात है हिंदू जो जो जिस जिसने पढ़ा लेकिन चालाकी से ऐसा नहीं है कि क्या नाम है आपने बिल्कुल तगड़े ढंग से ऐसे ही निपटा दिया हिंदू जिसने ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा इंग्लिश वाला क्योंकि एक सेकेंड अब दिख रहा होगा चलिए नेशनल क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आई है अभी तो ये किससे रिलेटेड है क्या है बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए आपको पता है ना दोस्तों हमारे ने, नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान भी है हमारे पास में ठीक है तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है किस चीज़ के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए तो उन, उन स्टेट्स का नाम लिखे हुए हैं और दूसरी स्टेटमेंट क्या है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इंप्लीमेंट कर रहा है दो मिशन को दो मिशन को इंप्लीमेंट कर रहा है पहला नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम दोस्तों हिमालयन जो इको है हिमालय जो रीजन है पूरा का पारा पूरा उस इको को बचाने के लिए एक नेशनल मिशन चला रखा है हमने याद रखना ये चीज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए के पूरे हिमालय रीजन को सेव करने के लिए हमने क्या चला रखा है? एक मिशन चला रखा है, तो है, भी भी है।, है। दोस्तों सही होती है तो देखिए अब देखिए झारखंड मिजोरम उड़ीसा छत्तीसगढ़ आसाम बिहार अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल हाईली वलनरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिल्कुल सही स्टेटमेंट हाईली क्या है वनरेबल है ठीक है है आपके क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है दो नेशनल मिशन को इंप्लीमेंट कर रहा है है एक हिमालयन रीजन से रिलेटेड ठीक और दूसरा क्या है स्ट्रेटेजिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ये दोनों को इंप्लीमेंट कर रहा है तो याद रखिएगा टू वन एंड टू इसका करेक्ट आंसर है सी बोथ वन एंड टू इसका करेक्ट आंसर है योगी ने इसको क्या किया स्किप कर दिया कोई दिक्कत नहीं है तो क्या है अभी क्या ये रिपोर्ट आई है रिलीज करी गई है किस इसमें बोला गया किन किन स्टेट्स के बारे में बोला गया हाईली हाईली क्या है वनरेबल है क्लाइमेट चेंज के आने वाले समय पर यहां पर अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए और ये रिपोर्ट किसने करी है ये रिलीज किसने करी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डी एस डीएसटी याद रखना दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको रिलीज करी है याद रखना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ये यह सिर्फ यही है ये यही बताना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर में कौन कौन से स्टेट कौन कौन सा रीजन ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा है और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हैं? ठीक है, है लेवल का, का एक एक्शन प्लान बनाया गया अब उस एक्शन प्लान के अंडर में कई सारे मिशन चल रहे हैं क्या चल रहे हैं कई सारे मिशन चल रहे हैं एक मिशन क्या चल रहा है हिमालयन रेंज जो है हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसको बचाना है और एक क्या है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग क्या करना है स्ट्रेटेजिक नॉलेज को इकट्ठा करना है उसके रिगार्डिंग में चल रहा है और कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कर रहा है ठीक है क्लियर है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा झारखंड क्यों वल्नरेबल है ये पूछना चाह रहे हैं देखो एक तो चीज चलो इसको बताऊंगा इसके इसके सोच रहा हूँ इसको इसका रिगार्डिंग regarding... सबसे ज्यादा एक तो पता है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग क्यों है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है झारखंड में आप, आपको पता है कितने ज्यादा कोल के प्लांट्स वगैरह वहां पर सारे के सारे लगे हुए हैं कितने ज्यादा कितने ज्यादा प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पर कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पर कितना ज्यादा फिर पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सारी की सारी चीजें होंगी क्लियर है ये वाला क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से सी आंसर दे रहे हैं सभी के सही बोथ 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 एंड 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 आंसर दे रहे हैं सभी के से. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है आदित्य एलवन है क्या सन सूरज वहां को स्टडी करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है आदित्य एलवन आदित्य एलवन और ये क्या है इसके अंदर में सेवन पेलोड्स जाएंगे पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसरो नहीं बनाएगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी तो बिल्कुल सही है और ये क्या है आदित्य एलवन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सेंटर विल प्रोवाइड ट्रेनिंग थ्रू रेगुलर वर्कशॉप फॉर द गेस्ट यूजर बिल्कुल सही स्टेटमेंट दोनों की दोनों बिल्कुल सही और सन को स्टडी करने के लिए गया है आपके जो जो हमारा क्या नाम है अर्थ से लेके ये जो सन के बीच में जो पूरा का पूरा पाथ है उसको स्टडी करेगा क्या करेगा स्टडी करेगा इसके बाहर वाला जो फ्लेयर है कि इतना ज़्यादा यहाँ से जो एनर्जी है वो कैसे घर से बाहर निकलती है उस चीज को भी क्या करेगा स्टडी करेगा तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन एंड टू अब आपसे दोस्तों ज्यादा उम्मीद मत रखिए आपसे इतना ज्यादा कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ये नहीं पूछेंगी कि सात पेलोड कौन से उनके नाम बताइए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सेवन पेलोड हैं और सबसे पहली बात है आदित्य एलवन आपको पता होना चाहिए ये क्या है तो ये क्या है सन इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये सन को स्टडी करना बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको क्या करना स्टडी करना यानी कि उसके पाथ को स्टडी करना प्लस मैं एक और चीज उसमें बता रहा हूँ कि जो सन है उसके जो सराउंडिंग में जो गैसेस है उतना जो एनर्जी आती है जिसको कई सारे लोग लोअर कोरोना अपर कोरोना करके दोनों नाम कोरोना वो ये वाला नहीं वो वाला कोरोना लोअर कोरोना अपर कोरोना होता है दो हिस्से होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी इसको भेजा गया ठीक है दोस्तों क्लियर है ये क्या है स्टडी करने के लिए सन एंड रीजन बिटवीन द सन एंड अर्थ देखिए ये चीज यही बार बार बोल रहा हूं मैं कि, कि किस चीज के लिए कई लोग सिर्फ से आप सभी के सभी क्या बोल रहे हैं कि सन एंड अर्थ के बीच में तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह तो है ही प्लस में सन को भी स्टडी करने के लिए बनाया गया है सन और रीजन सन एंड अर्थ के बीच का उसको क्या करने स्टडी करने के लिए बनाया गया अगले साल इसको क्या किया जाएगा लॉन्च किया जाएगा ठीक है फिर बोल रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में अगर यह आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ सन और अर्थ को ही स्टडी करने के लिए है तो गलत हो जाएगा यह सन को भी स्टडी करेगा प्लस में सन एंड क्या अर्थ के बीच का जो पाथ है जो स्पेस है उसको भी क्या करेगा स्टडी करेगा दोस्तों और सात इसमें पेलोड रहने वाले सेवन रहेंगे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं और की रोल इसमें कौन प्ले करने वाला है एरिज एरिज का नाम याद रखना आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसिस जो कहां पर आपके नैनीताल के अंदर में वो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्लियर है क्लियर है दोस्तों मैं फिर बता दिया ना इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव याद रखना है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ जाए भाई अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर देना लाइक जरूर कर देना, देना। अभिजीत सिन्हा कमेटी दोस्तों आपको पता है सी ए ए न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है NRC, तो उससे रिलेटेड एक और चीज है अब बताना है आपको क्या है ये अभिजीत सिन्हा कमेटी अब मैंने हिंट दे दिया पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर में पूरे क्वेश्चन का हिंट एक ही उसमें दे दिया है अब आप इसको आंसर बताइए इसका आंसर बताइए अभिजीत सिन्हा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है अभिजीत सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है किससे रिलेटेड है दोस्तों अभिजीत सिन्हा कमेटी करेक्ट आंसर आंसर क्या क्या होगा? सभी सभी को को हिंट मिल चुकी है। है? अब तो तो दे देना चाहिए। तो तो में नागालैंड नागालैंड के जो लोकल, जो लोकल, इंडिजिनस लोग हैं, उनको पहचानने के लिए ये एक, एक प्लान लेकर आए थे अभी बताता हूं, उसका फुल बताएंगे। और अभी उन्होंने अभिजीत सिन्हा कमेटी मतलब सारे स्टेक होल्डर को करते हुए समझिए इस चीज को सारे स्टेक होल्डर को रखते हुए क्या हुआ कहानी कैसे चली नागा नागालैंड नागालैंड ए इसका करेक्ट आंसर है एक तरह से जो एनआरसी आसाम के लिए हुआ था वैसा ही एक प्रोसेस शुरू किया गया 2019 में नागालैंड के द्वारा नागालैंड के द्वारा जो वो वहां के इंडिजिनस लोगों को पहचानेंगे क्या करेंगे इंडिजिनस लोगों को पहचानेंगे 2019 में शुरू किया गया अब उसकी इंप्लीमेंटेशन में उसके अंदर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी काफी ज्यादा जो अलग अलग ट्राइब्स हैं अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहां पर बने हुए उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनाई गई है अभिजीत सिन्हा कमेटी कहां पर नागालैंड के अंदर बनाई गई जहां पर क्या करेंगे रजिस्टर करेंगे नागालैंड के इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स को फिर समझ लीजिएगा समझ गए ना जिसको जिसके अंदर में ऑल ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडीज को इकट्ठा किया गया ये ज्वाइंट कमेटी है क्या ये ज्वाइंट कमेटी है बैकग्राउंड समझा दिया मैंने आपको जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया एनआरसी आया तो ये कहा गया क्या होगा इनफ्लक्स हो जाएगा दरअसल जो ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स है ना यहां पे अदर आप समझिए अदर लोग आएंगे उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी तो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हो जाएंगे यहां के रहने वाले हो जाएंगे तो नागालैंड ने क्या किया 2019 में कहा कि वो क्या प्रिपेयर करेंगे आर आई आई एन प्रिपेयर करेंगे क्या करेंगे रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड ये प्रिपेयर करेंगे जैसे एनआरसी है ना नेशनल सिटीजनशिप एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ ऐसे इन्होंने कहा हम आर आई आई एन प्रिपेयर करेंगे ठीक है दोस्तों फिर इस आर आई आई एन को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने क्या बनाई है एक बनाई है जिसके अंदर में क्या होगा आपके सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप्स के बॉडीज के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सबके सब एक साथ होंगे जो क्या करेंगे इस पूरे के पूरे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे याद रखिएगा कमेटी किसके अंडर में बनी है अभिजीत सिन्हा के अंडर में बनी है तो ये वर्ड ध्यान रखना आर आई आई एन आर आई आई एन ये पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है कमिटी का नाम आपको बताई दिया नागालैंड से रिलेटेड है और इसमें आर आई आई एन के अंदर में उन्होंने एक डेट भी रखी है कट ऑफ डेट भी रखी है क्या रखी है कट ऑफ डेट क्या रखी है उन्होंने उन्नीस ये देखिएगा एक दिसंबर उन्नीस उन्होंने कट ऑफ डेट रखी है कि इस दिन हम अपने परमानेंट रेजिडेंट को जो जो यहां पर इस दिन थे उनको हम क्या करेंगे परमानेंट रेजिडेंट बोलेंगे उसके बाद जो जो आए हैं उनको हम क्या बोलेंगे आउटसाइडर बोलेंगे क्या बोलेंगे आउटसाइडर बोलेंगे और ये उन्होंने दिन क्यों चुना क्योंकि इस दिन नागालैंड एक स्टेट बना था क्या बना था नागालैंड एक स्टेट बना था कब बना था नाइनटीन तो आपके लिए कितने सारे फैक्ट आ गए कितने सारे फैक्ट आपके साथ लिए इसी इसी न्यूज के अंदर में आगे पहली बात उन्नीस में स्टेट बना था कट ऑफ डेट क्या रखिए एक दिसंबर उन्नीस सौ तिरसठ रखिए एक दिसंबर उन्नीस के अंदर में जितने भी लोग वहां पर थे नागालैंड में वो वहां के सिटीजन हो जाएंगे परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे बाकी सबको क्या कह देंगे जो उसके बाद आए हैं उनको क्या बोल देंगे क्या बोल देंगे क्या बोल देंगे दोस्तों आउटसाइडर अब आपके लिए थोड़ा सा एक ये तो चलो क्वेश्चन फिल्म के लिए कर लिया मेंस के रिगार्डिंग एक थोड़ा सा पॉइंट मैं करना चाहता हूं क्या ये जो रिसेंट रीजनलिज्म जो रिसेंटली जो एक्सरसाइज है ये क्या रीजनलिज्म को इंक्रीज नहीं करेगा आने वाले समय में आपको पता है हमारी कंट्री वैसे ही इतनी डाइवर्स है वैसे ही इतने ज्यादा मतभेद चलते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में अगर आप बार बार प्रोटेक्शनिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा देते रहेंगे एक स्टेट की प्राइड एक स्टेट एक रीजन की प्राइड को बार बार आगे बढ़ाते रहेंगे तो आने वाले समय में दोस्तों आने वाले समय में रीजनलिज्म चाहे आपका टेररिज्म हो चाहे आपका कोई भी चीज हो उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनकर निकल कर आएगा रीजनलिज्म रीजनलिज्म का मतलब क्या दोस्तों आपको जानकारी लेके बता दूं आप जान के हैरान हो जाएंगे कई सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं तो ये साउथ का जो है ये साउथ के जो चार पांच स्टेट हैं इनको अलग हो जाना चाहिए क्या किस लिए रीजनलिज्म के कारण दक्षिण नाडु बना लेना चाहिए तो आने वाले समय में ये चीजों चीजें हैं ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये आने वाले समय में क्या है और ज्यादा इन चीजों को क्या करेंगे बढ़ावा देंगे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये चीज ध्यान रखिए आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या अभिजीत सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है नागालैंड के इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स को आइडेंटिफाई करना उनको रजिस्टर करना है बनाया बनाया गया था, कब बनाया गया था 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 कब 2019 में उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे यहां के लोगों को जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको हम रजिस्टर करेंगे और बाकी सबको हम क्या कह देंगे आउटसाइडर कह देंगे अब सोचो जस्ट इमेजिन हर स्टेट अपना एनआरसी बनाने लग जाए हर स्टेट जैसे एनआरसी असम का है जैसे इन्होंने आर आई एन बनाना शुरू कर दिया हर स्टेट अपना बनाने लग जाए लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा एग्जाम्पल समझिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया दरअसल पता है दोस्तों क्या होता है इलेक्शन के लिए ये सब चीजें होती हैं वहां के लोगों को खुश करने के लिए होती हैं जस्ट जस्ट्री मैं अभी मैं ये नहीं कह रहा नागालैंड में गलत है सही है हर किसी का अपना अपना रीजन होता है मैं एग्जाम्पल देता हूं आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने लोग आउटसाइडर हैं भैया मेरे जिनको आपने आउटसाइडर कर लिया पहचान लिया उसके बाद क्या क्या उनको बाहर निकालोगी क्या उनको और कहीं सेटल करोगे क्या उनके किसी राइट से उनको वा, वा, क्या कर वंचित रखोगे क्या उनको गवर्नमेंट जॉब मतलब आप मतलब देखिए एक होता है आप ये काम कर रहे हो ठीक है चलो आप पहचान रहे हो क्यों पहचान रहे हो ऑब्जेक्टिव क्या है उनको क्या चीजों से आप वंचित रखोगे क्या चीजें उनको प्रोवाइड कराओगे क्या करोगे ये चीजें कभी भी किसी लॉ में बताई ही नहीं जाती ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये क्या करता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्या करता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है

तो क्या आप यहां से इंडिया से इनको बांग्लादेश में डिपोर्ट कर पाओगे अगर बांग्लादेश में डिपोर्ट करोगे तो बांग्लादेश एंड इंडिया के रिश्ते क्या दोबारा वैसे रहेंगे अगर इसमें दिक्कत होती है तो दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते ही चाइना यहां पर रोल प्ले करने आ जाएगा बांग्लादेश के रिश्ते अपने अच्छे कर लेगा तो काफी सारी चीजें हैं जब पॉलिसीज बनती हैं दोस्तों तो ये सिर्फ कई बार क्या होता है शॉर्ट टर्म गोल को ध्यान में रख के किया जाता है आपको ध्यान होगा रोहिंग्या वाली जब बात हुई क्या हुआ रोहिंग्या वाली जब बात हुई तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए असम में जब एनआरसी वाले बात हुई तो बांग्लादेशी ने उसका विरोध किया भाई मेरे, आप सिंपल सी बात समझो, से इतने सारे लोग आए मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल में जब भाई कोर्ट ने कराया था, कोर्ट ने क्लियर ही नहीं किया किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि सर आपने कहा कि हम एनआरसी करा देते असम का चलिए ठीक है एनआरसी हो गया पचास लोगों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी हमारे पास कोई क्लियर वो नहीं है इसके बाद हम क्या करेंगे गवर्नमेंट डिसाइड करें तो आपने करा क्यों पहली बात तो मुझे यार ये या आता है कि करा क्यों जब आपका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो आपने आखिर उसको करा क्यों ठीक है दोस्तों आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन uh, मैं आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चीजों को एनालाइज कैसे करना है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और उसको एनालाइज कैसे करना है ठीक है क्लियर है तो आर आई एन आर आई आई एन पता है ना क्लियर है हाँ रुद्रा क्यों ने बोला आठ हजार करोड़ रुपए अब आठ हजार करोड़ रुपए सिर्फ आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद में क्या उसके बाद में क्या ठीक है चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन कहां पर है चोलिस्तान लोग सोच रहे होंगे ऐसा भी कुछ है क्या ऐसा भी कुछ है क्या चोलिस्तान ही न्यूज में था ये क्या है कल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ पर मारा गया है का क्या? क्या क्या हंट किया गया है दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि एक टाइम पे आज से चार पाँच साल पहले बारह सौ थे अब वो कम होते होते आपके पचास या साढ़े तीन हाँ सौ या डेढ़ सौ के आसपास रह गए बस इतना ज्यादा हो गया तो चोलिस्तान एक डेजर्ट है कहाँ पर है पाकिस्तान में है याद रखिएगा पूछ लेंगे आपसे चोलिस्तान नाम नाम भी आप सबको लग रहा होगा कि क्या नाम है तो चोलिस्तान कहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर में डेजर्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या क्या हुआ कल यहाँ पर शिकार किया गया है

वो जो सदन पार्ट है पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा मतलब वहां का क्या है डेजर्ट है बहुत बड़ा डेजर्ट है दोस्तों ठीक है क्रिटिकली अच्छा चोलू च, अच्छा चोलू कंट्री मैंने सोचा किसी ने अपना नाम ही चेंज कर लिया चोर पाकिस्तान चोलिस्तान क्या रे 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 बताओ मतलब देखो कितना मतलब हमारे यहाँ के कितने तेजस्वी बालक है मतलब अभी तक कोई वो हव हाँ उसका नाम आता है यार अरे मतलब देख रहे हो ठीक है जो उनका जो रीजन है जो उधर है वो राजस्थान के साथ सटा हुआ रीजन है और गुजरात वाला रीजन है वो जो पाकिस्तान है ना उसका सदन वाला हिस्सा साउथ वाला हिस्सा वहां का ठीक है ठीक है क्लियर है क्लियर है क्या बात है सरिता मारो राजस्थान ठीक है क्लियर है चोर चोलिस्तान मैं भी यार क्या तो ग्रेट थार डेजर्ट का हिस्सा है ये भी और सिंध प्रोविंस से चलता है और इंडिया के राजस्थान तक आता है कहाँ से आता है सिंध प्रोविंस से शुरू होता है और भारत के जो है राजस्थान तक आता है और बीच में बटिया तो यहाँ वाला वो जो डेजर्ट वो है ठीक है <laughs> मुझे पता था ठीक है तो ये थार डेजर्ट का हिस्सा है और ठीक है दोस्तों क्लियर है और इसके अंदर में यहाँ पर डेरावर फोर्ट पूछ सकते हैं आपसे अगर अगर पूछना चाहे तो डेरावर फोर्ट कहाँ पर है आपके यही चोलिस्तान के अंदर में है कहां पर चोलिस्तान के अंदर में ही है ठीक है? क्लियर है क्लियर है ना मैं फिर बोल रहा हूँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को याद रखना बस खाली क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पर है इंडिया के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और क्या है राजस्थान के इलाके में पाया जाता है दूसरा ठीक है और तीसरा क्या है दोस्तों इसके लिए हाँ एक होमवर्क देता हूँ आपको रोशन क्या बात है एक होमवर्क देता हूँ एक प्रोग्राम चलाया गया था राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था उस प्रोग्राम का नाम बताना है उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो प्रोग्राम चलाया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है दोस्तों भाई लाइक कर दो वीडियो इतने लोग अब तो देखने भी आ गए हो अब तो लाइक कर दो पंजाब में कुछ हिस्सा है पंजाब में भी वो पूरा का पूरा हिस्सा है मधु ठीक है बताना है सभी को मेरी उम्र भाई मतलब उम्र पूछेंगे माउंटेन कितनी लगती है अच्छा बताओ देखो बेस्ती करने वाली बात मत कर रहा कहीं उम्र ज्यादा बता दो कितनी लगती है 18 उन्नीस साल का लगता हूं क्या नहीं लगता वो उसकी तरह करूँ क्या भूल भुलैया देखो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो ध्यान आपके लिए होमवर्क है वो याद रखिएगा होमवर्क किस चीज का होमवर्क है कि क्या मैं आपको बताना है कि एक प्रोग्राम चलाया गया था बचाने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसका हिंदी में भी कुछ नाम था क्या हिंदी में भी कुछ नाम था अभिलाषा तीस परीक्षित अट्ठाईस कह रहे हैं विशु क्या बात है विशु यार कहां लोगे पार्टी बताओ इक्कीस साल कह रहे हैं विशु विशु कह रहे हैं इक्कीस साल कह रहे हैं चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बाद में चर्चा करेंगे आ, कभी उम्र पे चर्चा करेंगे छोटा ही हूं अच्छा मैं आपसे भी छोटा लगता हूँ यार क्या बात है ये ये मेरी फिटनेस का ध्यान है ना ये मैं रोज़ जो एक्सरसाइज करता हूँ चलिए तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चंद्रशेखर जी बहुत ही कम टाइम के लिए शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सात महीने के लिए सिर्फ ये क्या थे पी थे याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान जरिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पिछले ना चार पाँच साल से यू में एक टेंडेंसी में देख रहा हूँ वो क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी ध्यान में रख के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में रख के भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो याद रखिएगा इस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अभी क्या हुआ चंद्रशेखर जी के उस पर जयंती पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है वहां पे उनको होमेज दिया है उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ दोस्तों क्या होता है यूपीएससी ने क्या किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में हुआ था ये क्वेश्चन पूछा था फिर उसके बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रिगार्डिंग उन्होंने कहाँ से पूछा था प्राइम मिनिस्टर को क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं उन्होंने एक और चीज क्वेश्चन पूछा था कि पीएमओ किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में क्या हुआ था स्ट्रॉंग हुआ था तो आपको एक थोड़ा सा फ्लो पता होना चाहिए कि, कि किसके बाद में कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया था एक क्वेश्चन अभी उन्होंने लास्ट लास्ट टू एक और पूछा था कि फाइव ईयर प्लान कौन से फाइव ईयर प्लान कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर में हॉलीडे पे चला गया था हॉलीडे पे चला गया ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो चंद्रशेखर जी के बारे में याद रखिएगा कि ये क्या सिर्फ सात महीने के लिए क्या बने थे पीएम बने थे जनता जनता कब बने थे उन्नीस की बात है रिलेटेड क्वेश्चन है, है? का क्या होती हैं? जो एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करके आती हैं, उनकी स्पीशीज को क्या करना है कंजर्व करना है उनकी स्पीशीज को भी क्या करना है बचाना है तो उसके रिगार्डिंग भी क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है क्या बनी है सी एम एस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज उसकी क्या होती है हर साल क्या होती है क्या होती है पार्टी उन पार्टीज मतलब क्या होती है उनकी पार्टी नहीं होती है? उनकी क्या होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है इसको क्या बोलते हैं मीटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं मीटिंग बोलते हैं उनकी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के अंदर में इंडिया को प्रेजिडेंटशिप मिल गई है पहले स्टेटमेंट ये है अ न्यू नेशनल प्रोग्राम प्रोजेक्ट डॉल्फिन वॉज अनाउंसड बताइए अब इसका करेक्ट आंसर बताइए बताइए जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों आंसर दे रहे हैं सभी के सभी समझ आ गया ना सीएमएस क्या है सीएमएस क्या है सीएमएस पता चल गया ना कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज दोस्तों एक कंट्री के अंदर में आप क्या स्पीशीज को तो कंजर्व कर रहे हो दूसरी कंट्री में वो भी स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो क्या है माइग्रेट करके आ रही हैं उन स्पीशीज को भी क्या करना है आपको कंजर्व करना है बचाना है तो जी हां दोस्तों इंडिया जो है उसका क्या है करंटली क्या है इस जो कर, जो सी एम एस की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उसका क्या है प्रेसिडेंट है और अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन जिसको क्या करेंगे आप बोथ रिवर इन और मरीन डॉल्फिन को आप कंजर्वेशन करेंगे तो वन एंड टू दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है क्लियर है ठीक है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन एंड टू इसका आंसर ईरावडी डॉल्फिन ईरावी डॉल्फिन कहां पर है दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि जस्ट इमेजिन आपको ईरावडी डॉल्फिन देखना है तो आप कहां पर जाएंगे और इरावडी डॉल्फिन का आई स्टेटस क्या है आई स्टेटस क्या है ये चीज आपको बताना है ठीक है तो आपको पता है देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बार बार आ रहा है याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रोशन कह रहे हैं असम जाना होगा इरावडी डॉल्फिन को देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा इरावडी डॉल्फिन इरावड़ी डॉल्फिन किस जगह जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए कुछ लोग उड़ीसा बोल रहे हैं चिल्का लेक मेरे को लग रहा है ऐसा सही है कुछ ऐसा कुछ सही है एक क्वेश्चन और दोस्तों एक क्वेश्चन और हाँ चिल्का झील जाना पड़ेगा अरे, मतलब इंडिया में कहाँ जाना पड़ेगा ठीक है उड़ीसा जाना पड़ेगा चिल्का लेक के अंदर में ईरावडी डॉल्फिन मिलती है क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको मैं यहां पर करना चाहूंगा यहां पर क्या है इंडिया ने क्या किया एक और प्लान लॉन्च किया है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया है यह आपसे टाइम पूछ सकते हैं दो से लेकर दो तक के लिए लॉन्च किया गया ठीक है ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों क्लियर है तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं और मैं आप सभी को हाँ चिल्का लेक रुद्रांशु चिल्का लेक में मिलेगा और आपसे एक चीज़ और कहना चाहूंगा दोस्तों जो होमवर्क मैं देता हूँ इसको कमेंट सेक्शन में एक तो कमेंट करा करो या फिर क्या करो जो हमने वार्ता ग्रुप बनाया उसके अंदर में इसको करा करो लेकिन करा जरूर करो दरअसल यहाँ पर इसका मेन रीज़न ये होता है इसका मेन रीज़न ये होता है मैं यहाँ पर चीज़ें इसलिए ऐड करता हूँ कि आप ना कुछ थोड़ी से अपनी तरफ़ से ही मेहनत करो अगर एक पॉइंट ध्यान में आया है तो दूसरा पॉइंट अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा एक दो तीन चार चार पॉइंट आप प्रिपेयर कर लोगे एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर हो जाएंगे इस चीज के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ये सब चीजें करते रहो। हाँ बिल्कुल अभिशाल अभिलाषा भूख लग गई है तो जाइए बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाद में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है किड फ्रॉम द माउंटेन सब बढ़िया और भाई अगर मैं छोटा लगता हूँ आपसे तो बढ़िया बात है फिटनेस पे आपकी उम्र क्या है ये भी बता दीजिएगा हाँ योगी ने कल किया था सभी ने तो होमवर्क को किया करिए और एज पे चर्चा करेंगे कभी किसी दिन बैठ के तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए खूब अच्छे से पढ़ाई करिए एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से निकलेगा कोई टेंशन नहीं लेना बस हम रिविजन कर रहे हैं साथ साथ रिविज़न चलती रहेगी ठीक है ये चारों के चारों चैनल अपने हैं किसी को भी कोई भी डाउट हो दोस्तों अगर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है कोई आपको लगता है कि चीज़ें आपकी प्लानिंग में कोई डाउट है कि ऐसा लगता है कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए आपको ऐसा लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले पढ़ना चाहिए अगर ऐसे कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हो मैं आपको क्या कर सकता हूँ वो यू पी क्लासरूम आप प्रशांत तिवारी पी चैनल को ज्वाइन कर लो वहाँ से आपको मिल जाएगा वार्ता ग्रुप के बारे में ठीक है मज़े हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो आप क्या कर सकते हैं मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को कैसे और ज़्यादा एनहेंस किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे जैसे मान के चलिए कई सारे लोग क्या करते हैं कई सारे लोग रिपीट कई सारे लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं वो शुरू कहाँ से करेंगे जियोग्राफी उठा के बैठ जाएंगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस खाली अब आप क्या करोगे आपका प्रलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ खाली ठीक है प्रिलिम्स प्रिलिम्स का एग्जाम आ जाएगा प्रीलिम्स का एग्जाम्पल ले लीजिए प्रीलिम्स आने वाला है वो लोग क्या करेंगे उसको जियोग्राफी को उठा के बैठ जाएंगे अब आपको पता है दोस्तों जियोग्राफी के चार और पांच क्वेश्चन मान के चलिए आ जाएंगे मुश्किल से दो क्वेश्चन अगर आ जाएंगे लेकिन अभी आपको मेन फोकस किस पे देना है पॉलिटी पे देना एनवायरमेंट पे देना लोग क्या करते हैं एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं एनवायरमेंट के दोस्तों पंद्रह क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पंद्रह क्वेश्चन तो ये सब चीजें अगर आपको ऐसा लगता है कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और आपको पता है वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ऑफ़र अगर आप लेते हैं तो क्या चलता है दो हज़ार बाईस तक के प्रलिफ का एक्सेस मिल जाएगा हाँ रोशन में पीडीएफ लक्ष्मीकांत मॉडर्न ये सब जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कर दूंगा अब होमवर्क क्या है होमवर्क क्या क्या है एक तो आपके लिए आज होमवर्क क्या था सबसे पहला क्यूबा वाला जो रीजन है एक तो उसको पूरा का पूरा मैप पर देखना है दूसरा आपको क्या देखना है जो आपका ब्लैक सी वाला रीजन है वो देखना है मैप पर देखना है मैप बता रहा मैप है और तीसरा क्या है आपके लिए तीसरा क्या है आपको जो है ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड का प्रोग्राम एक लॉन्च किया था उसको बताना है कमेंट करके बताना है और तीसरा होमवर्क क्या दिया था दोस्तों ईरावडी डॉल्फिन ईरावडी डॉल्फिन के रिगार्डिंग आपको बताना है मुझे ईरावडी डॉल्फिन के रिगार्डिंग कि इरावड़ी डॉल्फिन के रिगार्डिंग आपको कमेंट करके बताना है कि इसका वन इसका आई स्टेटस क्या है ये कहां पर मिलता है ठीक है और एक और होमवर्क है चलो एक और होमवर्क आप सभी के सभी लिख लीजिए क्या है क्या है कि आपको जो जो क्या होते हैं डॉल्फिन एक इंडस वाटर डॉल्फिन है और एक गेंजेस वाटर डॉल्फिन है उसके बारे में भी बताना है तो सारी की सारी चीज़ों को आपको बताना है ये होमवर्क है आपका ये होमवर्क है ठीक है क्लियर है हाँ भाई किया तो था गलती से हो गया था फ्रिलिम्स और मेंस ठीक है कर लेते हैं कभी कभी ठीक है दोस्तों तो दो तो साल का अगर आप लेते हैं तो 2023 तक का तक का एक्सेस मिल जाएगा आपके लिए और पी आर ए एस एच ये कोड है आप इसको अप्लाई कर लीजिए दोस्तों एक चीज़ आप क्लियर कर समझिए एक चीज़ आप क्लियर समझिए कि हम क्या करने वाले हैं सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करनी है कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है कैसे चीज़ों का एप्टीट्यूड करना है ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जीरो प्रोसेसिंग फीस है लोन वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाता है आपको यहाँ पे पढ़ाई के लिए ठीक है बस मन ये ये करना है आपको मेन मन लगा के पढ़ाई करना है ठीक है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है हर संडे को होता है देखिए एक चीज़ आप समझिए इंटरलिंक करके आना चाहिए आपको इंटरलिंक करके चीज़ें आना चाहिए जैसे कल मान के जो चोलिस्तान का न्यूज़ में था तो मैंने उसको इंटरलिंक करके ही आपके लिए यहाँ पर क्या क्या शेयर कर दिया था अब आपको ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए दिमाग में ये चीज़ क्या है आप धीरे धीरे जितना जितना पढ़ते जाओगे ठीक है जितना आप क्या करोगे पढ़ते जाओगे उतना चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी जैसे क्या है कई बार क्या होता है दोस्तों अच्छा थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं बट आपको बता दूँ कि कई बार क्या होता है कि आप जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो जब न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रियलाइज नहीं कर पाते यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होगा लेकिन आपको जैसे कई बार क्या होता है केस स्टडी के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं क्या कर दूंगा शेयर कर दूंगा हिंदू न्यूज़पेपर से केस स्टडी भी आपके लिए वहां पे शेयर कर दूंगा तो चीज़ें मैं शेयर करूंगा बस आप सभी साथ बनाए रखिए साथ रहिए बाकी आप देखते जाइए सारी के सारी कितने बढ़िया आपकी शानदार तैयारी होने वाली है ठीक है दोस्तों तो ये प्लस की भी क्लासेस चल रही हैं आइकॉनिक क्लासेस भी चल रही हैं आपको पर्सनली गाइड करने के लिए आप पे कोच मिलेंगे मैंटोर मिलेंगे जो आपको सिलेबस में हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे सारी चीज़ों में आपके साथ में हेल्प करने वाले हैं जाते जाते कोई जाएगा नहीं खाली सभी के सभी लाइक करके जाएंगे ऑप्शनल की भी क्लासेस के लिए आप ले सकते हैं और दोस्तों एक पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग आप देख रहे हो ऑप्शनल को प्रिपेयर कर लो प्लीज़ ऑप्शनल को प्रिपेयर कर लो यहाँ से करो कैसे करो खुद से करो बुक से लेके करो सारी की सारी चीज़ करो न्यूज़ अभिलाषा रोज़ शेयर करता हूँ रोज़ शेयर करता हूँ न्यूज़ में ठीक है ठीक है और उसको कैसे पढ़ना है टेंशन मतलब बात करते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है ठीक है एथिक्स की केस स्टडी शुरू करने वाले हैं दरअसल अभी थोड़ा मेन ये प्रेलम्स के लिए थोड़ा सा कमिटमेंट्स हैं उसके बाद में फिर हम मेंस के हिसाब से चलेंगे और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ रुद्रांश जो आप सभी के सभी सीरियस स्टूडेंट्स हो और प्रिया अभिलाषा विशु अनुज सभी को बोलना चाहूँगा जितने भी लोग हो बाकी सब तो चले गए बाईस लोग जितने भी हो बाद में जितने लोग देखे हो गए को थोड़ा सीरियसली लो ऑप्शनल को थोड़ा सा सीरियसली लो अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप एग्जाम को हाँ क्लियर कर सकते हो प्रलिम्स को क्लियर कर सकते हो तो प्लीज़ ऑप्शन को थोड़ा सा सीरियसली लो क्योंकि आप यहाँ से पढ़ो कहीं से ही पढ़ो लेकिन ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़ाई करना शुरू करो औ, और ऑप्शन प्लस में जीएस की क्लास फीस भी ले सकते हो आप वहाँ पर भी कोड अप्लाई कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ का भी चल रहा है यहाँ पर हिसाब किताब वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टेन परसेंट डिस्काउंट है अन्य प्रशांत तिवारी चैनल को ये कर लीजिएगा ज्वाइन थैंक यू सो मच बिल्कुल एंड टाइम पे लाइट गई है ठीक है ठीक है तो टाइम बहुत कम है बिल्कुल रुद्रांशु इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल को प्रिपेयर करके रखो ऑप्शनल एथिक्स दो चीजें हैं लाइट चली गई है मेरी वीडियो क्लियर नहीं आएगी तो चलो अब जल्दी से मिलते हैं अगले सेशन में बाय बाय टेक केयर दोस्तों जय हिंद बाद में इसको करें